22 साल के एक सन के युवक ने विधवा महिला को अपनी पत्नी बनाने के लिए उसके बेटे का अपहरण कर लिया। वो बेटे को मोहरा बनाकर उसकी मां को ब्लैकमेल करना चाहता था। हालांकि कुंदम पुलिस ने आरोपी के चंगुल से मासूम को सकुशल मुक्त कराते हुए उसे धर दबोचा है। कुंदम पुलिस के मुताबिक भैंसवाही निवासी महिला मायके में पिता के घर रह रही थी। उसके पति का 4 साल पहले एक रोड एक्सीडेंट में निधन हो चुका है। तब से वह मायके में भैंसवाही में 8 वर्षीय बेटा और 7 वर्षीय बेटी के साथ रह रही है। 7 अप्रैल की सुबह 9:30 बजे उसका बेटा आखिरी पेपर देने के लिए स्कूल गया था। दोपहर 3 बजे लौट आता था, लेकिन शाम 6 बजे तक वो वापस नहीं आया, जहां दोस्तों से पता चला कि उसके बेटे को बाइक से कोई ले गया। दोस्तों ने बताया कि लंच के समय वो बाहर खेल रहे थे, तभी 1:30 बजे के लगभग बाइक से कोई आया और उसके बेटे को लेकर चला गया। वहीं पुलिस ने गांव में पहुंचकर घरों की तलाशी लेना शुरू किया तो उसे गाँव के संजय परस्ते के घर में मासूम मिला। पुलिस की पूछताछ में सामने आया कि अपहरणकर्ता संजय की पत्नी 2 साल पहले मायके गई तो अब तक नहीं लौटी। संजय और मासूम की मां दूर के रिश्तेदार हैं। अब मासूम की मां से शादी करने का दबाव बनाने के लिए उसने मासूम को अगवा कर उसे ब्लैकमेल करके शादी करना चाहता था, जहां पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। राजवाटिका विवाह घर सर्व सुविधा युक्त प्राकृतिक सुंदरता से ओत प्रोत। राजवाटिका विवाह घर में इंगेजमेंट, तिलक, शादी, रिसेप्शन, वेडिंग शूट, जन्मदिन पार्टी, जन्माष्टमी सहित अन्य कार्यक्रमों के लिए विवाह घर उपलब्ध। अपने मांगलिक कार्यक्रमों को यादगार बनाएं शहर के मध्य वातानुकूलित राजवाटिका मैरिज गार्डन के साथ। हमारा पता है राजवाटिका मैरिज गार्डन, नेशनल हाईवे, जूला मोड़, भुंडहा, रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9827004251।